है कि आप पाकिस्तान भी इस फिल्म के प्रमोशन के लिए? मुझे जाना है, मैं नहीं जा पा रही हूँ। क्यों? मतलब इसलिए क्योंकि हम पाकिस्तान का नाम सुनते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है। नहीं नहीं, क्या हो गया था कि 19 तारीख को मेरी फिल्म रिलीज हो रही है, 19 तारीख तक हम दिल्ली में हैं। हमारी प्रमोशन स्केड्यूल ऐसी हुई है कि हम हर रोज़ कहीं ना कहीं जा रहे हैं, और 20 तारीख को मेरी प्रेम रतन की शूटिंग की शुरुआत हो रही है। तो मेरी फिल्म रिलीज़ होती है 19 तारीख को, मैं बॉम्बे वापस आती हूँ, फिर 20 तारीख को मैं निकल रही हूँ। ये पहले था नहीं ऐसा, तो आई वॉज गोइंग टू गो, पर मेरा वो कैंसिल हो गया। बट आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड अ मैसेज एंड आई एम डूइंग एज मच पाकिस्तानी मीडिया एज आई कैन टू प्रमोट द फिल्म, एंड आई रियली रियली वॉन्ट टू गो। ये तो हमारे परदादाओं का गाँव है। आई कम फ्रॉम पेशावर एंड आई कम फ्रॉम माई मॉम साइड ऑफ द फैमिली कम्स फ्रॉम कराची, तो देर इज सो मच ऑफ अ कनेक्शन। वी आर आई एम जस्ट अ सेकेंड जनरेशन इंडियन। मुझे जाना है। नहीं, द थिंग इज अभी 50 दिन के लिए मैं प्रेम रतन के लिए शूट करने वाली हूँ, फिर उसके बाद होपफुली दिसंबर में अगर कुछ टाइम मिले तो मैं चली जाऊँगी। पर मेरे लाइफ में ऐसा हो गया है, इवन दो मैं बहुत कम काम करती हूँ, जब काम आता है तो छप्पड़ फाड़ के आता है। अभी सोनम के पास फिलहाल कितनी फिल्में या फिर कितने वेंचर्स हैं? एक्चुअली अभी जो अनाउंस किए हुए हैं तो खूबसूरत के पास सिर्फ डॉली की डोली और प्रेम रतन, दोनों फिल्में मेरा बहुत टाइम ले रहे हैं। और फिर मैं मेरी बहन के साथ एक और फिल्म शुरू करने वाली हूँ, बैटल फॉर बिटोरा, तो फिर वो ऑटोमेटिकली इमीडिएटली वो फिल्म शुरू होने वाली है। उसमें कौन एक्टर होगा? वो अब तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। आपके मन में कोई खास सिलेक्टेड फिगर या कोई नाम? नहीं नहीं। ओके सोनम, एक सेल्फी पिक्चर है यहाँ पर, अब हम देख रहे हैं कि अब सेल्फी का जमाना आ गया, हर कोई सेल्फी सेल्फी सेल्फी। सोनम अपनी सेल्फी पिक्चर में अपने साथ किसे देखना चाहती हैं? किसे देखना? कोई खास या जो नहीं फैमिली मेंबर्स के नाम? नॉन ऑफ माय ब्रदर्स, दे नॉट अलाउड। अच्छा, ओके। ऑनेस्टली अगर मुझे किसी के साथ सेल्फी लेना हो तो आई वुड लाइक टू टेक अ सेल्फी विद रेखा। सुनम, आप हमेशा से बहुत क्यों नहीं यार, यू थिंक वो लेंगी सेल्फी मुझे? बिल्कुल लेंगी, खुश रहेंगे। आई वुड लव टू टेक अ सेल्फी विद हर। तो देन आप क्या? मैं ये कह रही थी कि सोनम हमेशा से बहुत शरारती नेचर और बोल्ड भी हैं, बिंदास भी हैं, लेकिन कभी भी किसी कंट्रोवर्सी, जैसे अगर हम लव अफेयर्स की बात करें तो कभी किसी कंट्रोवर्सी में फिलहाल आप नहीं पड़ी हैं, नहीं और नहीं हमने कभी सुना लिंक अप्स के बारे में। हाँ। तो ये वाकई सच है या फिर वाकई सोनम कभी? मैं नन हूँ, मैंने एक भाव ले लिया है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। आई थिंक मीडिया ने मुझे बहुत रिस्पेक्ट दिया है इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि ऑनेस्टली आई थिंक इन टर्म्स ऑफ मीडिया ने भी मेरे बारे में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं लिखे हैं, क्योंकि नहीं, आई थिंक स्टोरीज अगर आते हैं तभी लिखेंगे। मैंने पहले से ही स्टांस ले लिया था कि मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बात नहीं करूँगी, और सब जो है वो मुझे पिछले सात साल से देख रहे हैं, तो उन्हें पता है कि अगर कोई मुझे पूछेगा तो मैं उसके बारे में बात ही नहीं करूँगी। और आई थिंक मेरे एक्टर्स के साथ एक कोई भी लिंकअप्स हुए नहीं है, हो सकता हो भी नहीं सकता, आई डोंट थिंक। मैं बहुत ही बोरिंग पर्सन हूँ, मैं बहुत ही बोरिंग लड़की हूँ, पर आई डोंट नो, मुझे अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने में अच्छा नहीं लगता, मुझे आई फील वियर्ड, तो मैं बात करती नहीं हूँ। क्योंकि सोनम ने कहा है कि वो किसी एक्टर से तो शादी नहीं करेंगे, अपनी फैमिली में उन्होंने देखा है डैडी को, भाई डैडी सब लोग एक्टर्स हैं, सब लोग प्रोड्यूसर्स हैं, पक गई हूँ मैं अब। नहीं, ऐसी कुछ नहीं बात, आई लव यू ऑल, बट नहीं ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर घर जाओ, आई एम सो सॉरी, कुछ पूछना है? नहीं, आप बोलिए उसके बाद। क्योंकि घर जाओ, अगर घर जाओ तो आपको यू नो यू डोंट टॉक अबाउट वर्क, यू नो फिल्मों के बारे में नहीं बात करना, आपको लाइफ के बारे में बात करना है कि क्या हो रहा है लाइफ के बारे में। तो इसलिए मुझे लगता है कि नेवर से नेवर, मुझे पता नहीं कि भगवान का क्या प्लान है, कुछ भी हो सकता है, मुझे क्या पता, मैं एक्टर से ही शादी कर लूँ, क्या होता है लाइफ में, किस्मत में क्या, मेरी किस्मत में क्या लिखा है मुझे पता नहीं, पर आई विल ट्राई नॉट टू, यू नो मुझे नॉर्मल लाइफ भी चाहिए। ओके सोनम, थैंक यू। आज फ्राइडे फैनी पेंडिंग रिलीज हुई है, उसके बाद का जो फ्राइडे आने वाला है वो आपका होगा,
हमने नोटिस किया है कि जब जब एक प्लेटफॉर्म पे दीपिका और आप होते हैं तो होते होते एक अलग ही मिस्ट्री होती है, एक अलग ही कंट्रोवर्सी होती है. तो इस बार भी आप एक ही फ्राइडे मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट फ्राइडे आप लोग आ रहे हो. बिकॉज़ क्या हो गया ना, हमारी फिल्म इंडस्ट्री में इतनी सारी फिल्म्स रिलीज हो रहे हैं कि एक हफ्ते का या दो हफ्ते का टाइम भी नहीं मिलता. तो हर हफ्ते ना कुछ फिल्म रिलीज होती हैं. फाइंडिंग फैनी मेरी भाई की पिक्चर भी है, अर्जुन भी है और ही इज आई लव हिम, सबको पता है. एंड आई वुड इफ एनी थिंग आई वॉन्ट द फिल्म टू सक्सीड मोर देन एनी थिंग एल्स इन द वर्ल्ड. मैं हर फिल्म अर्जुन की देखती हूँ, मैं निकलती हूँ और मैं रोने लग जाती हूँ. इवन इफ इट्स अ बैड परफॉर्मेंस आई कराई, इवन इफ इट्स अ गुड परफॉर्मेंस आई कराई, मुझे लगता है वो सब चीज़ें जो करता है वो बहुत ही खूबसूरती से करता है. तो इफ आई हैव टू से वेरी सेल्फलेसली इन दिस वन रिस्पेक्ट, आई होप इट डज रियली रियली वेल. एंड आई थिंक कि इन अ कंट्री ऑफ 1 बिलियन पीपल और मोर देन दैट, बहुत जगह हैं, बहुत सारी थिएटर्स हैं, 3-4 फिल्म एक साथ रिलीज होती हैं, कुछ नहीं होता, ये तो एक हफ्ते का गैप है. तो आई होप बोथ द फिल्म्स डू वेल, आई होप एवरीथिंग फॉर माय सिस्टर, आई होप खूबसूरत डज वेल, एंड फॉर माय ब्रदर आई होप फैनी डज वेल. फैनी जी ने मूवी देखा है, उनके क्या रिएक्शन जी? आपके पापा ने मूवी, अरे वो प्रोड्यूसर है, अगर वो नहीं देखेंगे तो फिल्म रिलीज कैसे होगी? आपके ऊपर कितना प्रेशर है, मतलब इस मूवी को लेकर कितना प्रेशर है? उनको बहुत पसंद आया इसलिए फिल्म रिलीज हो रही है और मेरे पर बहुत प्रेशर है. बायोपिक के ऊपर फिल्में काफी बन रही हैं, रियल लाइफ से लोग इंस्पायर होकर अपने फिल्में कर रहे हैं. सोनम क्या किसी खास रोल के लिए अपने आप को देखती है कि अगर ये रोल मुझे मिले तो मैं वाकई करना चाहूंगी? बहुत सारे ऐसे रोल्स हैं, 2-3 ऐसे रोल्स मुझे ऑफर भी हुए हैं. अच्छा. पर इट्स टू प्री मेडिटेटेड, टू अर्ली टू टॉक अबाउट इट. पर आई थिंक 2-3 महीने में आपको न्यूज मिल जाएगी, मतलब आ सकती हैं सोनम? आ सकती हैं, 100% आ सकती हैं. ये आखिरी सवाल की हमने देखा इस पिक्चर में आप बहुत सारे शादी के प्रपोजल रिजेक्ट कर रही हैं. शादी के रिजेक्ट नहीं, शादी लोग मुझे रिजेक्ट कर रहे हैं या फिर ठीक है, अगर हम रियल लाइफ में भी अगर हम बात करें तो लोग मुझे रिजेक्ट करते रहते हैं? नहीं 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 नहीं, इतनी अच्छी है, प्यारी है सोनम. हम देखे रियल लाइफ में सोनम शादी के लिए रेडी, आपको लगता है कि वाकई सोनम शादी के लिए रेडी है या फिर अब वाकई उम्र हो सकती है या फिर और 2-4 साल? आई थिंक जब तक आप किसी से, यू कैन ओनली बी रेडी फॉर मैरिज इफ यू फाइंड समबडी हु यू वांट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ योर लाइफ. तो जब तक मुझे वो बंदा मिलता नहीं तब तक आई एम नॉट रेडी.